छोले को हमने प्लेट के अंदर रख देना है और इसके ऊपर डाल देना है हमने एक बूंद ऑयल की। और हमने इसके ऊपर नाज़रीन वेलकम टू अपना किचन न्यू रेसिपी के साथ मैं आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंगारा कढ़ाई, जिसके लिए कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल। एक कप मैंने ऑयल का इसके अंदर डाल दिया है। जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर चिकन डालेंगे। अब हमारा गर्म हो गया, इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 किलो चिकन मैंने लिया है। दो किलो चिकन को हमने 10 मिनट फ्राई करना है। बीच बीच में मैं फ्राई भी करती जाऊंगी और आप लोगों को दिखाती भी जाऊंगी। ये देखिए नाज़रीन 2 मिनट से फ्राई होते हुए हो गए हैं, इसका चिकन का कलर चेंज हो गया है। यहाँ पे आधी चम्मच चाय की हम डाल लेंगे नमक। इसे भी हम मज़ीद फ्राई करेंगे। अंगारा कढ़ाई के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है अंगारा, इसे इसकी हमें ज़रूरत है। और ये 5 टमाटर हमने लिए हैं, इसको मैंने काट लिया है। ये 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 बड़ी प्याज है और ये खुश्क मसाले हैं। ये 10 से 12 सुरख मिर्चे हैं, ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच ही खुश्क धनिया है और 1 खाने का चम्मच ही काली मिर्च है। और ये आधी कटी हरे धनिए की है, 10 से 12 फिर हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है और 1 कप दही है। हमने जो खुश्क मसाले लिए हैं, ये 4 चीज़ों को हमने पैन के अंदर डाला है। उसको हमने हल्का सा कर लेना है रोस्ट। चला के चूल्हे को मैंने पैन पे रख दिया है, इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, साथ साथ इसे हिलाती जाएँ। 6 से 7 मिनट इसे फ्राई होते हुए हो गए हैं, 1 से 2 मिनट हम इसे मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि चिकन का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और चिकन हमारा गोल्डन हो जाए। कुछ मसालों को मैंने रोस्ट कर लिया, चूल्हा मैंने अब बंद कर दिया। जब ये हल्के से ठंडी हो जाएंगे तो फिर इसको मैं इसका पाउडर बना लूँगी। चिकन हमारा फ्राई हो गया है, अब इसको मैं निकाल लूँगी। हमने सारे चिकन को निकाल लेना है। ऑयल में हमने चिकन फ्राई किया है, इसी ऑयल में मैं 1 बड़ा प्याज डाल रही हूँ, इसके हमने हल्का ब्राउन करना है। ये 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हमने डाल देना है। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। नाज़रीन कोयले को मैंने आग पे रख दिया है, ये इसको अच्छा सामने से दहकाना है। जब अच्छा से ये दहक जाएगा, ये रेड हो जाएगा, तब तक हम इसे आग के ऊपर रखेंगे। लहसुन को मैंने फ्राई कर लिया, अब इसके अंदर से 5 टमाटर हमने लिए थे ये डाल देंगे, इनको हल्का सा नरम करेंगे। अब तकरीबन 2 मिनट टमाटर को मैंने पकाया, टमाटर हमारे नरम हो गए। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैं डाल दूंगी नमक। जो मसाले हमने रोस्ट किए थे वो ये इसके अंदर मैं डाल दूँ, इनका मैंने पाउडर बना लिया था। तो हमने जो मिर्चें काटी थी हरी बारीक बारीक मुझे इसके अंदर डाल रहे हैं। थोड़ी देर मैं इस मसालों को पकाऊंगी ताकि अच्छे से भून जाए। तो मैंने भून लिया, अब इसके अंदर हमने ये दही रखी थी 1 कप ये डाल देंगे और साथ ही हम चिकन डाल देंगे। इसको कर लेना है हमने अच्छे से मिक्स। इसको 10 मिनट हमने ऐसे ही पकाना है। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी और वक्त वक्त से हम इसे चेक करते रहेंगे। तीन से चार मिनट इसे पकते हुए हो गए हैं, अब इसे हम चेक कर लेंगे।
ये तो कढ़ाई हमारी ये शक्ल आ गया थी, इसे 4 मिनट मजीद हमने इसे ढक के पकाना है ताकि हमारे मसाले चिकन के अंदर अच्छे से एडजस्ट हो जाएं और गल भी जाएं। 10 से 12 मिनट मुकम्मल हो गए हैं, इसे पकते हुए ढके मैंने इसके रखा लिया है। अब हमने क्या करना है, चूल्हा हमने कर देना है बिल्कुल स्लो। स्लो करने के बाद हमने क्या करना है कि एक हमने प्लेट ले लेनी है और वो इसके अंदर हमने ऐसे रख देंगे। इसके अंदर हम रख देंगे कोयला जो हमने देखने के लिए रखा था। कोयले को हमने प्लेट के अंदर रख देना है और इसके ऊपर डाल देना है हमने 1 बूंद ऑयल की। और हमने इसके ऊपर दे देना है ढक्कन ताकि इसका अच्छा सा धुआं चिकन के अंदर जज्ब हो जाए, हमारी मज़ेदार सी कोयला कढ़ाई रेडी हो जाए। ये देखिए अब इसका दम हम खोल देंगे, सारा धुआं इसके अंदर जा चुका है। इसके अंदर हम प्लेट डालेंगे। हमारी अंगारा कढ़ाई रेडी, अब इसके ऊपर डाल देंगे हम हरा धनिया। धनिया हमने इसके अंदर डाल दिया, हमारी अंगारा कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। चूल्हा मैं बंद कर दूंगी। कोयले का दम मैंने 1 मिनट के लिए रखा था, उसको निकालने के बाद मैंने हरा धनिया डाल के इसकी गार्निशिंग कर दी। हमारी मज़ेदार सी अंगारा कढ़ाई रेडी है, आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। शुक्रिया।